नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और न्यूमरोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैंने आपको सो लार्ज नंबर कैलकुलेट करना सिखाया, मैंने आपको लूसो ग्रिड के बारे में बताया, और धीरे धीरे मैं आप लोगों के एनालिसिस भी करता रहता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कई बार वो मैसेजेस को पढ़ पाता हूँ, कई बार नहीं पढ़ पाता, तो माफ़ कीजिएगा अगर आपका मैसेज अभी तक नहीं पढ़ा गया है, लेकिन श्योरली मैं आपके मैसेज को ज़रूर पढ़ूंगा। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए हैं, पिनेकल नंबर। अगर आप न्यूमरोलॉजी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको पिनेकल नंबर के बारे में पता होगा। पिनेकल नंबर्स क्या होते हैं? जीवन में हर व्यक्ति के साइकिल्स आती हैं, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम आता है। बेसिकली चार तरीके से हम टाइम को लेकर चलते हैं, 0 से 30, 30 से 50, 50 से, इस तरह से हम लोग लेकर चलते हैं। तो वो कैलकुलेशंस हमारी कैसे होती हैं आज से न्यूमरोलॉजी में मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको पिनेकल नंबर्स की कैलकुलेशन सिखाऊंगा, फिर जो पिनेकल नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5, उनका क्या अर्थ होता है वो आने वाले वीडियोस में मैं आपको समराइज़ करता रहूँगा। आज सिर्फ कैलकुलेशन है और आपको खुद भी कैलकुलेशन करनी है। थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैं आज आपको दे दूँगा, साथ साथ ये जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको चैलेंज नंबर भी बताऊँगा कि चैलेंज नंबर क्या होते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं। यानी कि कौन से टाइम पीरियड में, जब आप 28 साल तक के होंगे या 28 से 40 के बीच में होंगे, 40 से 60 के बीच में होंगे, तो कौन से ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट अगर कहूँ तो लॉन्ग पीरियड्स के लिए, जिनको आप दशाएं भी कहते हैं अपने साधारण भाषा में, हालांकि ये दशाएँ नहीं हैं, लेकिन कंसिडर कर सकते हैं कि हम लॉन्ग प्रडिक्शन जब करते हैं किसी की, तो हम उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमको एक डेट ऑफ बर्थ डिटेल की ज़रूरत होती है। इन केस में मैं एक डेट ऑफ बर्थ डिटेल ले रहा हूँ, 24 नवंबर 1984। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और ये जो चार मैंने रूल लिखे हैं, ये इन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर जो बर्थ नंबर है वो 6 है, और हमारा, मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ, बर्थ नंबर हमारा 6 है और लाइफ पाथ हमारा 3 है। लाइफ पाथ की कैलकुलेशन में पहले आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि लाइफ पाथ की कैलकुलेशन हमारी कैसे होती है, लाइफ पाथ की कैलकुलेशन हमारी कैसे होती है, लेकिन इसमें हमारे को पूरी डेट ऑफ बर्थ डिटेल की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से 6 मिला, यहाँ से हमें 2 मिला, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 1 और 9 10 और 8 18 और 4 22, तो 22 का यहाँ पर आएगा आपका 4, तो यहाँ पर 4 आएगा। और इसको अगर हम टोटल कर लेंगे, 6 और 2 8 और 4 12, तो 12 को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जो कि हमारा LP यानी कि लाइफ पाथ नंबर होगा। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब फर्स्ट पिनेकल की कैलकुलेशन करते हैं, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इस तरह से। तो पहला है कि आपको मंथ ऐड करना है और आपको डे ऐड करना है। तो पहला हमारा जो आएगा, आपको मंथ ऐड करना है, यानी कि आपको 2 ऐड करना है और आपको डे ऐड करना है। डे आपका क्या था? 6 था। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पिनेकल आया वो आपका 8 आया। मैं एक बार आपको पिनेकल जो है नंबर्स निकालना बता देता हूँ, फिर आपको कैसे उसको टाइम फ्रेम में बांटना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सेकंड हमारा जो पिनेकल होगा उसमें वो कह रहा है कि डे को ऐड करना है और हमारे ईयर के डिजिट को ऐड करना है। तो डे हमारा 6 है और ईयर का जो हमारा डिकम्पोजिशन है वो हमारा 4 है। तो यहाँ पर हमारा 10 आता है और 10 का हमारा यहाँ पर 1 बनता है। तो पहला पिनेकल 8 और दूसरा हमारा 1। तीसरा जो पिनेकल है वो हमारा कहता है कि फर्स्ट और सेकंड पिनेकल को ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड जो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 8 प्लस 1 हमारा आएगा, जो कि यहाँ पर हमारा 9 बनेगा। और फोर्थ जो होगा हमारा, उसमें वो कह रहा है कि मंथ और ईयर डिजिट को यहाँ पर ऐड कर दो। तो 2 और 6 को हमें यहाँ पर, मंथ की डिजिट हमारी 2 है और ईयर की डिजिट हमारी 4 है, तो यहाँ पर 6 आ गया। तो 4 पिनेकल होते हैं, 4 से ऊपर पिनेकल नहीं होते। तो पहला क्या था कि मंथ मंथ और डे की डिजिट जो थी उनको आप ऐड करेंगे तो 8 आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर, उसके बाद डे और ईयर को आपको ऐड करना है। तो डे हमारा 6 था और ईयर का हमारा 4 आया था, तो 10 हुआ था, तो उसका हमने 1 ले लिया। उसके बाद 8 प्लस 1 यानी कि दोनों मिनेकल्स को आपको जोड़ देना है,
आठ और एक आया था तो नौ हो गया, और उसके बाद लास्ट में आपको दो और छः आपको जोड़ देना है, यानी कि मंथ और ईयर को आपको जोड़ देना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने नंबर तो कैलकुलेट कर लिए, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपको इतनी पेन लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए कैलकुलेटर जो है वो बना दिया है, और आप फ्री में वहाँ पर जाकर अपने मैकेनिकल नंबर्स को जान सकते हैं। वो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि कौन से ईयर तक आपको कौन सी चीज़ रखनी है। यहाँ पर लाइफ पाथ नंबर का बहुत इम्पोर्टेंस आता है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 36 नंबर यहाँ पर लेना पड़ेगा, और 36 नंबर में से आपको जो बेस है हमारा वो यहाँ पर 36 होता है, 36 में से आपको 3 माइनस करना है तो आपको मिलेगा 33। ये आप ध्यान रखिएगा, 36 यहाँ पर कांस्टेंट है, 36 से ही आपको सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जो भी आपका लाइफ पाथ नंबर आता है, 9 आता है, 7 आता है, 8 आता है, वो 36 में से ही माइनस होगा। तो अगर हम यहाँ से चलें तो यहाँ जो पहला पीरियड इनका आएगा वो 0 से 33 आएगा, और उसके बाद जो आएगा वो हमारा जो सेकंड नंबर आएगा 34 से यहाँ पर 42 आएगा। 9 साल आपको ऐड करते हुए चलना है, ये ध्यान रखना है आपने। तो 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो नंबर आप लिख रहे हैं 34 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 34 को काउंट करना है, ये नहीं कि आप 35 से काउंट करें, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद जो तीसरा फेज इनकी लाइफ में आएगा वो 43 साल से लेकर वो आएगा 51 तक, और 51 के बाद जो भी लाइफ रहेगी वो इनकी जो है वो 6 नंबर से रोल करेगी। तो यहाँ पर पहला जो फेज़ रहेगा 0 से 33 साल की उम्र तक का, उसमें जो है वो 8 नंबर से ये रूल करेंगे जो कि शनि का नंबर रहेगा। तो लाइफ की स्टार्टिंग जो रहेगी 33 साल तक वो स्लो रहेगी, स्लो एंड स्टडी रहेगी, चीज़ों में विघटन विघटन आएंगे और काफ़ी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ेंगी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में। लेकिन जैसे ही ये 33 साल को क्रॉस करेंगे, 34 साल से 42 साल की उम्र में आएंगे, तो यहाँ पर सन आ जाएगा, सन रूल करेंगे, और जिससे लाइफ में कैरियर में काफ़ी राइज आएगा, नेम और फेम मिलेगा, जिस चीज़ के ये हकदार हैं, जितना संघर्ष इन्होंने शुरुआत में देखा होगा वो संघर्ष से ये बाहर आएंगे और अपने आप को लेकर चलेंगे। फिर 9 नंबर से आ जाएंगे 43 से 51 में, तो 9 नंबर अगेन क्रिएटिविटी का नंबर होता है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कतें तो ज़रूर आएंगी, लेकिन फिर भी ये उससे पार पा जाएंगे क्योंकि ये प्राइम पीरियड इतना लंबा नहीं होगा। और जैसे ही ये 51 को क्रॉस करते हैं या 51 में प्रवेश करते हैं, तो फिर ज़िंदगी इनकी जो जैसे कहते हैं जो ओल्ड एज होगी इनकी वो काफ़ी मज़े में कटेगी और ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो रैप अप कर देता हूँ दोबारा से आपको, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ लेनी है, डेट ऑफ बर्थ को कंपोज करना है। जैसे यहाँ पर 24 का 6 कर दिया, 11 का 2 कर दिया, और यहाँ पर जिनका 6 आए, जिनका 06 होगा तो वो 06 ही लिखेंगे। अगर 2 नंबर में आ रहा है, 10, 11, 12 आ रहा है अगर, तभी आप उसको डिकम्पोज करेंगे, सिंगल यूनिट में लेकर आएंगे, और ईयर को भी आप सिंगल यूनिट में करेंगे। उसके बाद जो आप पहले से करते आ रहे थे बर्थ नंबर और एलपी निकाल रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, उसको निकाल के रख लीजिए अलग से। पहले के इसमें मंथ और डे को ऐड करना है, यानी कि मंथ और डे को ऐड करना है, 8 आ जाएगा आपके इस केस में, आया आपका अलग आएगा। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में डे और ईयर की डिजिट को, डे और ईयर की डिजिट को आपको ऐड करना है, और उसको सिंगल यूनिट में लेकर आना है अगर वो डबल में आ रही है तो, यानी कि 10 आई थी तो 1, 11 आया था तो 13 आया था, वो 12 आया था तो 3, ओ 12 आया था तो 3, हाँ। और उसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड ये जो निकले इसके पिनेकल्स को आपको जोड़ देना है, तो आपके पास जो भी नंबर आए वो आएगा, और लास्ट में आपको मंथ और ईयर के डिजिट को आपको जोड़ देना है जो भी आएगा। उसके बाद आपको 36 यहाँ पे बेस लेना होता है। मान लीजिए आपका अगर एलपी जो था वो आपका 4 था, मान लीजिए उसको माइनस कर दीजिए तो 32 आएगा। 32 जीरो से लेके जो पहला पिनेकल आपका बनेगा 0 से 32 साल तक का बनेगा, उसमें जो भी पिनेकल होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, यानी कि जो भी नंबर वहाँ पिनेकल में आएगा वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए 1 है तो बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी हद तक नेम एंड फेम आपको अर्ली स्टेज पर मिल जाएगा। अगर वहाँ पे 3 है तो आप क्रिएटिव होंगे काफ़ी हद तक, इस तरह की चीज़ें होंगी, ये मैं आपको आगे जो है बताऊंगा। और ये कैलकुलेशन आसान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है, और अगर आप और स्टडी करना चाहते हैं तो नेट पे काफ़ी हद तक बहुत सारा मटेरियल है,
लेकिन आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको 36 नंबर का भी पूरा विवरण दूंगा। फिलहाल आपको कैलकुलेशन आपको बतानी थी। अब समस्या क्या आती है, समस्या आती है कि हमसे कैलकुलेशन नहीं होती, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाया है और उसमें एक छोटी सी रिपोर्ट भी आपको दी है जिससे आप अपने आप भी चेक कर सकते हैं। तो आइए उस वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ, मेरी खुद की ही वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट ये रही, एक बार मैं आपको खोल के जो है दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, इसमें आप abhishekbhatnagar.in लिखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे ही आप पिनेकल एंड साइकिल्स नंबर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये कैलकुलेटर खुल कर आ जाएगा। और इसमें जैसे ही मैंने अभी अपनी जो आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 24 नवंबर 1984, डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स यहाँ पर डालने हैं आपको। जैसे ही आप यहाँ पर गेट पिनेकल साइकिल्स एंड नंबर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जैसे कि जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए थे। तो देखिए, पहला नंबर 8 आया था, दूसरा 1 आया था, तीसरा 9 आया था, तो फिर चौथा 6 आया था। तो ये आपकी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। अलग अलग पिनेकल्स का क्या नंबर होता है कि जब पिनेकल नंबर 2 आता है तो क्या होता है, 1 आता है तो क्या होता है, 7 आता है तो क्या होता है, 8 आता है तो क्या होता है, उसके लिए आपको पूरे सीरीज़ आपको देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि किस तरह से काम होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।